दुनिया के कई देशों में महामारी बन चुके कोरोना वायरस के लिए सभी देश दवाई बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत ने इस कोरोना वायरस को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन को अलग अलग कर लिया है, जिसे कोरोना वायरस को लेकर कई दवाई और टीके बनाने में मदद मिलेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कई वैज्ञानिक काफी समय से कोरोना वायरस पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन को अलग करने में कामयाबी पाई है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों की ये खोज से कोरोना वायरस की रोकथाम में काफी मददगार साबित होगी। कोरोना वायरस के स्ट्रेन को अलग करने से वायरस की जाँच के लिए किट बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे किट बनाने, दवा का पता लगाने और टीके का शोध करने में काफी मदद मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर अब तक कुल 4 देशों का ये कामयाबी मिल चुकी है, जिनमें अमेरिका, जापान, थाईलैंड और चीन जैसे देश शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ISMER पुणे की वैज्ञानिक प्रिया अब्राहम का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर भारत ने अपनी पहला चरण पार कर लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगरा के 6 मरीज और इटली के कुछ नागरिकों से मिले वायरस को वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए वायरस की स्ट्रेन को अलग किया गया था। इसके बाद उस स्ट्रेन को वुहान कोरोना वायरस की स्ट्रेन से मिलाया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन दोनों वायरसों की स्ट्रेन के बीच 99.98% की समानता है। वैज्ञानिक प्रिया अब्राहम का कहना है कि किसी भी बीमारी को खत्म करने या रोकने के लिए उसकी पहचान करना जरूरी है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।